तर्जुमान आपकी पहचान। मुल्क भर में कोरोना के खौफ से लॉकडाउन, अनलॉक और कहीं शटडाउन का सिलसिला जारी है। इस महामारी में गरीब और मिडिल क्लास के लोग काफी परेशान हैं। खासकर मिस्किन तबके के लोग दो वक्त की रोटियों के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की भलाई और मदद को आगे रहते हैं। इसी जमरे में खड़गपुर दीप महिला समिति गुज़िश्ता 3 महीनों से गरीबों को मुफ्त खाना तकसीम करती आ रही है। 4 जुलाई रात 8:30 बजे खड़गपुर रेलवे स्टेशन में पनाह लेने वाले 150 गरीबों को खाना खिलाया। इस मौके पर खड़गपुर दीप महिला समिति के सदर लक्ष्मी दीदी, नवीन शर्मा, रमाना, आरिफ रहमान, जावेद अहमद खान, फिदा हुसैन, नौशादुल्ला, शेख तबारक, राकेश यादव, के राजा और किरण राव मौजूद रहकर इस नेक काम में हिस्सा लिया। खड़गपुर से एसए खान की रिपोर्ट, खड़गपुर। 22 तारीख से जी हम लोग 24 तारीख से कंटिन्यू, जहाँ जिसको जरूरतमंद था चावल दाल तेल दिया गया, जरूरतमंद को लेके जाके इधर से लेके रूप नारायणपुर चौरंगी डेबरा टूर तलुक लेके जाकर हम लोग खाना खाते। अभी हम लोग कंटिन्यू इधर से गिरी मैदान बोगदा स्टेशन कर रहे हैं। 1 तारीख को तो हम बंद कर देगा सोचा। हमारा एसडी पे सर आके बोला दीदी आप हम है अब करिए, हमसे जो बनेगा हम करेगा। और भी कुछ भाई है वो जावेद है और सब लोगों ने मेरे को चावल ला के दिया। 1 तारीख एसडी पे सर बोला, 2 तारीख को जिसका जैसे बना वो ला के आज जो भी अभी 1 तारीख से हम कर रहे बोले तो उनका मैं उनको बहुत ही सही दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। एसडी पे मैं तो हिम्मत आ गया था 1 तारीख के बाद से हम बोला आराम नहीं कर सकेगा, कंटिन्यू 3 महीना करना बोलने से मेरा बस तब पर ही मैंने करा। मेरे को किसी का मदद नहीं, किसी का हेल्प नहीं, तब पर भी मेरा अपना बलबूता भी मैं 3 महीना कर सकता। जब 1 तारीख को मैं लास्ट कर देगा बोला इस दूसरे से आकर बोला नहीं दीदी आप करिए, मेरे से जो भी चावल है मैं दे रहा, मैं देखूँगा आप करिए। मैं उनका सही दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जो भी गरीब खा रहा उनको बहुत बहुत दुआ मिली। आपका टीम का पूरा नाम? आरिफ और जावेद साहब दीप महिला की तरफ से, जो हर 1 महीना से खाना का योजना चल रहा है गरीबों के लिए 3 महीना से, और इनके लिए कुछ बोलेंगे बताइए आरिफ सर, नाम बोलिए। ये 3 महीने से जो एनजीओ दीप महिला समिति जो प्रोग्राम चला रही है वो हम लोग खड़गपुर के तरफ से उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम, मतलब ऐसे आपातकालीन अवस्था में जो लोगों को खाना खिलाना, जो हालात थे खड़गपुर के, कई लोग आके फंसे हुए थे उनको लोग खाना खिलाना, बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम दिए। तो ये मतलब पूरे यहाँ का जो खड़गपुर का पूरा महकमा इसका प्रशंसा करता है, मैं नहीं सब पूरे महकमा प्रशंसा करता है। मतलब पूरे लोग आस्ते आस्ते देना बंद कर दिए, लेकिन दीप महिला समिति की पूरी टीम, लक्ष्मी जी की पूरी टीम काम करती रही। हम लोग का थोड़ा बहुत योगदान था उनके साथ, लेकिन वो अपने टीम वर्क के साथ जो टीम वर्क काम कर रहे हैं, पूरा उनका साहस था इसमें, ये बहुत सराहनीय है। इसका हम लोग पुरजोर उसको शुक्रगुजार हैं। जब आपने कुछ बोली खड़गपुर दीप महिला, जिस तरह से कोरोना वायरस फैला इस दिन से तकरीबन 3 महीने से ऊपर जाने होने जा रहा है, और ये जिस तरह से गरीबों के सामने आकर जो भूखों को खाना खिला रही है ये एक बहुत बड़ी बात है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये अभी बीच में 1 तारीख को हमारे पास फोन आया था इनका, ये बोल रही थी कि आप बैंक खा गई हो, मैं इसको बंद करूँ। तो मैंने कहा एस डी साहब भी आके इनसे कहा कि भाई बंद करने की जरूरत नहीं, आप जो काम कर रही हैं ये आप देख नियत से कह रही है, इसका अगर ऊपर वाला देगा भगवान देगा अल्लाह देगा, और हम लोग आपके पीछे हमेशा हैं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, जब तक हम लोग आपके साथ में पीछे से हैं आप
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का जो भी मदद होगा हम लोग आपके हमेशा साथ साथ रहेंगे। और जैसे कि आरिफ भाई ने कहा, ये जो काम कर रही है ये इंसानियत के बहुत बड़ी मिसाल है। ये ऐसे काम जो है सोशल एक्टिविटी इस तरह के काम में बहुत से कम लोग आते हैं। और जिस तरह से महिला समिति के जोड़कर और यंग लड़कियों को जोड़कर ये जो काम कर रही है, और जितने यंग लड़के और लड़कियां काम कर रही है उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोग भी दीदी के साथ में हाथ से हाथ मिला के उनका साथ दे रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो अभी सिचुएशन आने वाला है और भी ये खराब सिचुएशन आने वाला है उसमें भी ये लोग बढ़ के साथ देंगे। हमारे इनके साथ में अल्लाह पूरी दुआ इनके साथ में है। ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे और इनके साथ रहेंगे।